First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान शरारा पम्पलम गाउन बॉयज फुल सूट वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस प्रीमियम क्वालिटी सबसे सस्ता और अच्छा रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। 3 साल की अपहरण हुई बच्ची को मुंब्रा पुलिस ने बरामद कर उस बच्ची की मां को सौंप दिया है। आपको बता दें, इस बच्ची की मां गूंगी और बहरी है, जो मुंब्रा रेलवे स्टेशन परिसर में रहकर भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। और इस औरत की 3 साल की बच्ची को किसी अज्ञात शख्स ने अपहरण कर लिया था। मुंब्रा पुलिस में बीते 17 अप्रैल को इस औरत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 साल की उसकी बच्ची का किसी ने अपहरण कर लिया है। ये औरत बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, इसलिए इस औरत ने पुलिसकर्मी शीतल पाटिल को पूरी जानकारी हाथों के इशारों से दी थी। इस पूरे मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में सौंपी गई थी डिटेक्शन ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर संतोष उगल मुगले को। संतोष उगल मुगले अपनी टीम के साथ करीब 7 से 8 दिनों तक इस 3 साल की बच्ची की तलाश में जुटे रहे। इनकी टीम में पुलिस नायक तेजस परब, हवलदार दीपक जाधव, अर्जुन जुआटकर, मयूर लोखंडे, प्रमोद जगदाड़े शामिल थे। इसी बीच तेजस परब को सूचना मिलती है कि आरोपी बच्ची को लेकर मुंब्रा रेलवे स्टेशन परिसर में आने वाला है। जानकारी मिलते ही मुंब्रा पुलिस की टीम ने मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ लिया और 3 साल की बच्ची को बरामद कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन गणपत जाधव 28 वर्ष है, जो नासिक जिले का रहने वाला है। पुलिस इसके पास से बच्ची को अपने कब्जे में लेकर और इस बच्ची की मां को सौंप दिया गया है और आरोपी से मुंब्रा पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इसने 3 साल की मासूम बच्ची को क्यों अपहरण किया था, आखिर क्या वजह इसकी रही। इस पूरे मामले की जांच मुंब्रा पुलिस आगे कर रही है।